रायबरेली में एक परिवार ने चचेरे भाई के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरा परिवार एसपी से मिलकर उसके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के बनियन टोला का है, जहां के रहने वाले मनीष गुप्ता ने अपने चचेरे भाई शुभम गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया है कि बंटवारे में शुभम ने उसका हिस्सा दे दिया, फिर भी वह अराजक तत्वों के साथ मिलकर शराब के नशे में रोज घर में आकर गाली गलौज करता है और महिलाओं को अपशब्द बोलता है। परिवार का यह भी आरोप है कि शुभम विकलांग है, जिसका फायदा उठाकर वह सभी को ब्लैकमेल भी कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका गुप्ता है, मेरी सास का नाम जयदेवी गुप्ता है। हम लोग दिसंबर मार्केट में रहते हैं और हम लोग परेशान हैं इसलिए कि हम लोग अपने मतलब चाचा के लड़के जो हैं उनको हम लोग 2 साल पहले कोतवाल साहब के अंडर में हम लोग पूरा उसका हिस्सा दे चुके हैं और वो अब हम लोगों के हिस्से में वो पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो अपना सारा हिस्सा बेच चुका है। उसको हम लोग जेवर सब कुछ दे चुके हैं, वो हम लोगों के हिस्से में अब मांग रहा है कि हम लोगों को हिस्सा दो क्योंकि उसका जो चाल चलन है वो ठीक नहीं है। वो पीता है और सट्टेबाजी करता है, सब कुछ करता है। वो कभी वहाँ पर लखनऊ में कभी देता है एप्लीकेशन, कभी मोहनलालगंज में देता है, कभी निगोहा में देता है, कभी रायबरेली में देता है। सर हम लोग व्यापारी लोग, हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, हम लोग ये सब चीज़ नहीं जानते हैं कि ये कोर्ट कचहरी ये सब क्या होता है, लेकिन हम लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है कि वो अपने आप को विकलांग है पैर से, तो उसी का फायदा वो उठा रहा है और उसी के फायदा उठाने। आज कहाँ पे आई हैं आप? आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए हैं और एसपी साहब से मिलने आए हैं। क्या कहा सर? उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि आपका सारा मतलब जो है मैटर क्लियर होगा क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी वाले, हमारे जो हस्बैंड ना एक छोटा भाई है उसकी शादी अभी नहीं हुई है, दोनों लोग दुकान पे फंसे रहते हैं। हमारे ससुर अभी एक्सपायर हो गए, अभी मेरा बेटा एक्सपायर हुआ है और इसके पहले मेरा देवर एक्सपायर किया है। सर हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते और ये आके अब हम लोग के हिस्से में कि आप अपना हमको आधा हिस्सा दीजिए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।